हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इन्फो जोन में। जी हाँ दोस्त, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं नॉर्वे देश के बारे में। क्या आप जानते हैं नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पे कभी रात होती ही नहीं है। अगर रात होती भी है तो 12 बजे रात को होती है, उस वक्त जिस वक्त सारी दुनिया सो रही होती है। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ इसी तरह का इंटरेस्टिंग फैक्ट नॉर्वे देश के बारे में। क्या आप जानते हैं नॉर्वे में एक ऐसा टाउन है जिसका नाम हेल है, यानी कि नरक। क्या आपको मालूम है इस देश में 12 साल से कम बच्चों के लिए कोई किसी भी प्रकार का, मतलब किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं दिखाया जाता है, मतलब किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं दिखाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2017 में नॉर्वे पहला एक ऐसा देश बना जिसने FM रेडियो को पूरी तरह से अपने देश में बैन कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नॉर्वे में सिर्फ 10 पुलिस वालों की हत्या हुई है। नॉर्वे में आप अपने कुत्ते को बांध कर नहीं रख सकते हैं, वो ऐसा गैर कानूनी है। केवल जरूरी परिस्थितियों में आप अपने कुत्ते को बांध कर रख सकते हैं, अन्यथा उसे आप नहीं बांध सकते हैं। 1999 में नॉर्वे के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के एक ड्रग स्मगलर को शरण देने का फैसला किया था। वो ऐसा इसलिए कि उनके अनुसार अमेरिका का जो जेल है वो इंसानों को रहने के लायक नहीं है। नॉर्वे का जो जल परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, वो बहुत ही कम प्रभावित देश है। इस देश में कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई को नहीं छुपा सकता है, वो इसलिए कि यहाँ का जो टैक्स डिपार्टमेंट है नागरिकों की कमाई को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल देता है ताकि पूरी देश देख सके। नॉर्वे में अगर आप कोई कत्ल कर देते हैं तो आपको फांसी की सज़ा बिल्कुल नहीं दी जाएगी, वो इसलिए कि आपको सिर्फ 21 साल की सज़ा दी जाएगी। सारी उम्र कैद रहने की सज़ा को 1971 में ही ख़त्म कर दिया गया था, रूल के मुताबिक इसे रद्द कर दिया गया था। अगर नॉर्वे में आप अपने घर में टीवी का या फिर किसी दूरदर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सालाना लाइसेंसिंग फीस देनी होती है, जो कि लगभग 24,000 रुपये होता है एक साल की। नॉर्वे के उत्तरी भाग में मई से जुलाई तक लगभग 76 दिनों तक सूरज कभी नहीं डूबता है। यहाँ रात 12:43 पर सूरज छिपता है और महज 40 मिनट के अंतराल पर उगता है। यह घटना नॉर्वे के उत्तरी छोर पर मौजूद हैमफेस्ट शहर में होती है। इस देश के नागरिक दुनिया के सभी देश के मुकाबले ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। अगर वो हर साल औसतन 500 क्रोनर, मतलब 5,000 रुपये किताबों पे खर्च करते हैं। अगर आप नॉर्वे में कोई किताब लिखते हैं तो उसकी 1,000 कॉपी कम से कम सरकार आपसे खरीद लेती है ताकि उसको हर लाइब्रेरी में रखा जा सके। और सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ हर साल 2,000 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित होती है। आप लोगों को हम बता दें कि इस देश में 17 मई का दिन राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1814 ईस्वी में नॉर्वे का संविधान बना था। नॉर्वे में 1872 ईस्वी से ही राजवंश की परंपरा चली आ रही है। नॉर्वे को यहाँ के लोग नॉर्वेज कहते हैं, जिसका अर्थ है नॉर्थ वे, मतलब उत्तरी रास्ता। स्वीडन और नॉर्वे 1814 से 1905 तक एक ही देश थे। 1905 में स्वीडन नॉर्वे से अलग हो गया था। 2013 के दुनिया भर के सबसे शांति प्रिय देशों में से एक था नॉर्वे, जिसकी रैंकिंग कुल 162 देशों में से 11 नंबर पे थी। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में अगर और भी ज़्यादा जानकारियाँ है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें, अपनी राय दें। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे कोई जानकारियाँ चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।